ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हैं बच्चों, यस सर। तो जो हमारे पास सॉल्व क्वेश्चन है वो उनको बस हमने एक तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर कि उनको कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहला है द हाइट एंड बेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो वेरी सिंपल, इस तरीके का क्वेश्चन हर किसी से बन जाएगा कि अगर हाइट हाफ और बेस इनटू हाफ हाइट। बेस इंटू हाइट। एग्जैक्टली, तो हाफ बेस इंटू हाइट से जो है आपका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका 3 कर दीजिएगा तो 8 3s, किसी भी एक को आधा कर ट्वेंटी देना, फोर फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, जस्ट क्या करना है एक को आधा कर देना है, तो 6 का हो जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 24। और अगर फॉर्मूले की तो बात करोगे तो इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द नंबर 4364794, व्हाट इज द डबल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ व्हाट 4। ओके, व्हाट इज द डबल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की प्लेस वैल्यू का डबल क्या है। अब देखिए, 4 जो है दो प्लेस वैल्यू पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है एक यहाँ पर बैठा है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा, है ना, 4 होगा। व्हाट इज द डबल ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आंसर क्या होगा इसका, 4। क्लियर है, दे नन ऑफ दीज। फिर एक मिनट, तो अच्छा इन द नंबर दिस व्हाट विल बी द डबल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो अब ये प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की दो पोजीशंस हैं, बोलो हाँ या ना, तो दो पोजीशंस हैं, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक पोजीशन होती तो उसका हम डबल कर पाते, क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ, हाँ तो इसका आंसर जो जाएगा नन ऑफ दिस जाएगा, मगर जो ये पेपर सॉल्व हुआ था उसमें आंसर इसका सेकेंड दे रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि भाई एक एक कोई डिजिट होता तो आप उसकी प्लेस वैल्यू दे पाते, है ना। सर, तो दो की भी तो हो सकती है, फोर की डिफरेंट डिफरेंट प्लेस वैल्यू। तो जैसे इसका मतलब फोर का हो जाता 8, फिर ये इतने जीरो लग जाते, माइनस फिर से फोर का 8 हो जाता डबल। जैसे अरे भाई, तो देखिए इसका जो हो जाता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, उसको -4 तो कर नहीं सकते हो ना। जैसे ये आंसर इसका जो है सेवन तो सर नाइन 8, हाँ सही कहा तो आपने, सो डिफरेंस समझ गए, डिफरेंस तो है ही नहीं ना, डिफरेंस तो करना नहीं है। अगर क्योंकि ये दोनों बोला, की प्लेस वैल्यू भी अलग हाँ, अलग आ दोनों की जाएगी, प्लेस एक की वैल्यू अलग 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 आ जाएगी, जाएगी। एक की अलग आ जाएगी। एग्जैक्टली, तो दो आंसर हो नहीं सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ पर आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल 7 का पता होना डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। पता है क्या होता है, नहीं नहीं पता। 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि शायद इवन नंबर और ऑड नंबर का जो डिफरेंस है, मतलब जो नंबर का डिफरेंस है वो जो है वो 7 से सबट्रैक्ट होना चाहिए, ये होता है डिविजिबिलिटी सर, रूल, ये तो ठीक है ना। 11 का है सर। हाँ, नहीं, ये 11 का है, एक मिनट एक मिनट, ये 11 का है अगर इवन और ऑड का डिफरेंस, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बताइए, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैं बता देता हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल यस सर। कुछ इस तरीके से हुआ करता है, 343 को लेके एग्जांपल से रिकॉल कर लेते हैं। 343 में से यस कुछ 7 3 21, कुछ माइनस करना पड़ता है, ऐसा कुछ हुआ करता है इसका डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा चलिए, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो इसका यूनिट डिजिट का डबल होता है उसको आप बाकी बचे हुए पार्ट से सब्ट्रैक करोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट उतनी मेहनत लग ही जाएगी, थोड़ा सा बल्कि कम मेहनत लगेगी चेक करने में, है ना, यहाँ पर चेक करने में हमको थोड़ी सी कम। तो 1027 26 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्लियर है। 6 का यूनिट डिजिट 12 आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। फिर 1 8 5 8 4 है, इसका यूनिट डिजिट 2 का है, इसका कितना हो जाएगा, 12, 4 का हो जाएगा 8, क्लियर है। तो यदि हम इसी को उठा के देखते हैं, 18584, तो 18584 का जो डबल डिजिट बनेगा वो 8 बनेगा। सो 1 8 5 8 में से क्या माइनस करना है, 8 माइनस करना है, ठीक है, 1850, क्लियर। सो 1850 को हम डिवाइड करते हैं, तो 7 2 जा 14, ठीक है बेटा, एंड यहाँ पे कितना आया, फोर फोर फाइव, फिफ्टी ओके, सर, तो फोर फाइव सेवन से सेवन सिक्स जा 42, यहाँ पे 3 और ये 0, नहीं ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं, ये रूल कुछ सही नहीं है, ये सर, रूल ये कुछ, हम लोग शायद गलत कर रहे हैं। ये जो है ना 1 8 5 8 4 है, तो इसका 4 का डबल तो 8 होगा, तो 1 8 5 8 4 माइनस 8,
नहीं पूरे में से माइनस नहीं करते हैं, पूरे में से माइनस करते हैं क्या? अच्छा 1858 में से -8 करेंगे। सो 18, अच्छा नॉट डिविजिबल है ना, ओके तो सही तो है, आ तो गया ना, हाँ नॉट डिविजिबल नॉट पूछा है, अपन को डिविजिबल नहीं डिविजिबल पूछा है, है। एग्जैक्टली देखो उसके ये जो बचे हुए हैं उसमें एग्जैक्टली से करना है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो डिविजिबल। नॉट डिविजिबल है तो आंसर आ जाएगा 18584, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द यस 7 रुपी एंड 75 पैसे, घटिया क्वेश्चन, 7 75 पैसे, कोई दिक्कत इसमें? 775 हाँ 775 पैसे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 रेस टू 1 बाई 2 प्लस 3 रेस टू 1 बाई 2 प्लस 5 रेस टू 1 बाई 2 प्लस 8 रेस टू 1 बाई 2, तो इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या है? इसको करने का दो शॉर्ट तीन तरीका ये पांच है, पांच पांच हाँ दस दस हाँ 18 18 18 और आधा आधा 18 आधा, और दो हाफ 20 हाफ हो जाएगा 20 एक 19 20। बिल्कुल सही, तो ये 20 हो गया इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका 20 आ गया। अगला है एंगल 4 इतना है, एंगल 60 इतना है, तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करो। अब ये तो दिक्कत में डाल दिया भैया, पता ही सर ये नहीं तो है। डायग्राम होना चाहिए। हाँ इसका डायग्राम होना चाहिए कि ये क्या है भाई साहब, है ना। तो मुझे ही लगता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 120 के 180 होता सामने है। एंगल 1 बैठेगा, तो 1 के सामने जो है, 1 के सामने बैठेगा 4 मेरे ख्याल से, है ना। तो 120 1 होगा 60, तो ये पहला ऑप्शन लग रहा है 60 और 120, तो देख लेते हैं सही है क्या। हाँ बिल्कुल सही है, तो एक्चुअली ये साइक्लिक सही क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, 60 एंड 120, क्लियर है। चलिए वन का नेक्स्ट, हो जाएगा क्लियर। हाँ ठीक है ना, बन गया ना पिछला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है यस उसमें। सर हाँ चलिए नेक्स्ट ओके क्वेश्चन देखिए, 1 टीवी परचेज एट द ₹21,000 आफ्टर 1 ईयर, 5% ऑफ द टीवी प्राइसेस रिड्यूस आफ्टर 1 ईयर, हाउ मच कॉस्ट द टीवी हैव। तो 21,000 का 5% रेट घट गया, मतलब 21,000 का 95% बचा, ठीक है ना बेटा। तो यस 21,000 का 95% निकालो कितना होगा, कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, 21,000 का 95%। यस एक सेकंड ₹19,950 एग्जैक्टली 19950, 21,000 का 95%, 19950 बिल्कुल सही। क्योंकि हाँ क्योंकि भाई पाँच हाँ परसेंट वन रेट घट टीवी गया ना, एस पर तो जी 95% बच गया, ठीक है ना। अगर 5% बढ़ जाता तो यस 105% हो जाता। क्वेश्चन लिखा है, व्हेन एडिंग 50% ऑफ अ नंबर टू 50 इट सर बिकम्स, एक मिनट वही वाला आंसर फिर से निकाल दोगे यस आप? 19550, 19950, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। चलिए, ऑन यस सर एडिंग 50% टू अ नंबर नंबर 250 इट बिकम्स इक्वल टू द सेम नंबर, व्हाट इज दैट दैट्स नंबर। कह रहा है कि एक नंबर में 50% उसको 75 ऐड कर दिया जाए, एन 50%, मतलब ए प्लस ए बाई टू इक्वल टू 50, मतलब 3a/2 = 50, यस और नो। सो यस थ्री ए सर इक्वल्स टू 50 का डबल 100 हो गया, 3a/2। एक मिनट, ऑन एडिंग अ 50% टू अ नंबर 250, ऑन एडिंग 50% ऑफ अ नंबर 250, मतलब एक्स बाई टू प्लस 50 इज इक्वल एक्स बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सेम नंबर हो जाता है, ठीक है ना। एक्स प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू सेम नंबर, तो दैट्स नंबर इज इक्वल्स टू 100 हो रहा है बेटा, गलत आंसर है आपका। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे, ओके। चलिए देखिए, व्हेन एडिंग 50% ऑफ अ नंबर टू 50, मान लो 50 में ऐड कर रहे हैं किसी नंबर का 50%, मतलब एक्स बाई टू, ओके। वो नंबर कितना हो चुका है, सेम नंबर हो गया, मतलब एक्स हो गया, क्लियर। सो 50 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई टू कितना बचेगा, एक्स बाई टू, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 50, सही बात है ना। 100 ओ सॉरी 100, 100 करेक्ट आंसर इज 100, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड 12 दे हैव 12 ऑफ द फर्स्ट फाइव, एंड दे हैव 12 ऑफ द फर्स्ट फाइव, अकॉर्डिंगली हाउ मच इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। एन एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15 एंड दे हैव 12 ऑफ फर्स्ट फाइव, ओके सही है, बिल्कुल सही है। हाउ मच इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर बताइए। 20 नंबर्स का सम है 15 एंड दे हैव 12 ऑफ द फर्स्ट डिजिट फर्स्ट फाइव। शुरू के 5 का एवरेज 12 है, तो बाकी बचे का एवरेज क्या होगा?
नहीं है समझ में? चलिए देखिए कैसे करते हैं। द एवरेज ऑफ द 20 नंबर्स इज 15 एंड दे हैव द 12 ऑफ द फर्स्ट 5। तो कह रहा है कि किसी नंबर के 20 नंबर का सम जो है, 20 एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15। तो x1 से लेकर के x20 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू कितना 20, है बेटा? 15 है, बोलो। हाँ 15। तो यस टोटल सम जो बनेगा बेटा सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना बन गया? 15 × 20 बराबर 300। क्लियर है? 300। हाँ, अब कह रहा है कि अब कह रहा है एंड दे हैव 12 ऑफ द फर्स्ट 5। शुरू के 5 का मतलब x1 से लेकर के x5 तक का जो एवरेज है वो 12 है। हाँ है ना? यस तो x1 से x5 तक के कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो 12 है, तो 12 × 5 = 60। मतलब शुरू के 5 का सम कितना है? 60 हो गया, बोलो। क्लियर? 60। तो 300 में से 60 गए क्योंकि टोटल सम 300 आया है, तो 300 में से 60 गए तो कितना बचा? 240। वही तो सर, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे रुको, तो अभी 240 तो सम बचा ना, तो 5 नंबर निकल गए, तो बचे कितने अपने पास? 20 में से 15 बचे ना नंबर। हाँ या ना? चलो चलो काटते हैं क्योंकि बाकी के बचे नंबर 15, मतलब ये 15 में बटेगा। क्लियर? नहीं आया समझ में? आगे सर, तो 240 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 हो गया। 15 है ना, 15 से 240 डिवाइड कर दो, तो 240 को 15 से डिवाइड करते हैं। 240 डिवाइड बाई 15, सो 15 वन जा 15 आया, यहाँ पे कितना आएगा? 14 में से 5 गए, 16। ओके 16, तो आंसर इसका आएगा 16। अभी आया समझ में? यस सर, करेक्ट आंसर 16 भी है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 18, 28, 108 एंड 105। भाई इसका एलसीएम निकालो कितना होगा सॉल्व करके देखो जरा सा। यस सर, इसका एलसीएम खुद से सॉल्व करना पड़ेगा है ना, इसके एलसीएम पूरे निकालने पड़ेंगे। तो हमको 18, 108, 28, 105 करना पड़ेगा लिख करके। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो भैया कैसे कर सकते हो इसको, इसमें जो है 18 को 105 है, 28 है, तो सब 2 के डिवाइड करके देखेंगे सबसे कौन सा नंबर डिवाइड होगा। नहीं इतना मेहनत, वो तो ज़्यादा मेहनत हो जाएगी कि सबसे कौन सा नंबर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 18 को सबसे पहले अपन लिख सकते हैं 2 × 2 = 6, 3 = 18, बोलो। हाँ या ना? यस सर। और 28 होता है 2 × 14, यानी 2 × 2 = 7। क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, 108 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 108 जा 54 आएगा। क्लियर है ना? तो 2 54 में 2 का डिवाइड किया, 2 का 27 × 2 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 3 × 9 3 × 3 × 3 और 105 यानी 15 × 7 105 यानी कि 7 × 15 मतलब 5 × 3। क्लियर है? यस, बोलो यस और नो। क्लियर है ना? यस सर। अब चलिए, तो एक इसमें पेयर बन जाएगा 2 का, तो 2 का पेयर बना, फिर इसमें एक पेयर ये बन जाएगा 2 का। क्लियर है ना? 2 का पेयर बना, फिर एक पेयर बनेगा इसमें ये 3 का, ये 3 है, ये 3 गए तो ये 3 का पेयर बना, एक पेयर बन गया इस 3 का तो ये 3 का पेयर बन गया। क्लियर है? यस सर, एक 7 का बन जाएगा और एक 5। ठीक है, तो कुल मिला करके देखो एक 5 और 2, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लो, 3 × 3 = 9 = 27 और 2 × 2 = कितना? 4। तो 27 × 4 कितना होता है? 108 ना, 108 × 35, ठीक ना? मतलब एक बड़ा सा नंबर जनरेट होगा अपने पास। बी ऑप्शन आ जाएगा सर, बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक, तो बी ऑप्शन क्लियर है। 2 × 2 × 3 × 3 × 1 मिनट 2 × 2 × 3 × 3 3 अपन के पास 3 बार आ रहा है, इनमें 2 बार लिया गया है। यस 3, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 2 × 2 और 3 यदि देखा जाए तो 3 बार ही आएगा बेटा, वहाँ गलती से लिखा नहीं है, है ना? देखो 3 जो है 1 1 1 ये पेयर बन गया, फिर 3 का दूसरा पेयर ये बनेगा बेटा, है ना? फिर 3 का तीसरा भी तो बनेगा, तो यहाँ पे एक और 3 आएगा। क्लियर? यस। चलिए अगला, 2 स्टूडेंट लर्न एनीथिंग बाई स्टेइंग द स्कूल टू चेक इट विच ट्रायल्स आर हेल्ड दे आर कॉल्ड। ये जो बच्चे हैं, द स्टूडेंट लर्न एनी थिंग, मतलब जो बच्चे हैं ये कुछ भी सीख लेते हैं स्कूल में रह करके, ये बच्चे स्कूल में रह करके कुछ भी सीख लेते हैं। लर्न एनी थिंग स्टेइंग बाय द स्कूल टू चेक इट विच ट्रायल्स आर हेल्ड आर कॉल्ड। अच्छा, विच टेस्ट है यहाँ? ट्रायल्स, हाँ ट्रायल्स को टेस्ट ही बोल दिया गया है।
मेच्योरिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट 1 एंड 2, ठीक है ना। बताइए कि अगर वो बच्चे जो हैं स्कूल में रह करके ही सब कुछ सीख लेते हैं तो हम बच्चों को से डायग्नोस कर तो उनकी स्टेइंग स्कूल स्कूल में रह करके सब सीख लेते हैं। टू चेक इट विच ट्रायल्स आर हेल्ड, विच टेस्ट आर हेल्ड, उनको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट कहा जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे। मेच्योरिटी, अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक 1 एंड 2। देखिए अब मैं बताऊं आपको, खुद से सीख जाते हैं तो मैच्योर भी हो सकते हैं वो। तो देखिए अब इसमें ये है कि जैसे कुछ ऑप्शन में आपको अगर 1 एंड 2 दिखता है तो उनके होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 होना चाहिए, है ना। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल मुझे पता नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द वीक एंड बैकवर्ड स्टूडेंट थेरेपेटिक टीचिंग इज यूज्ड। चलो थेरेपेटिक है, थेरेपोटिक, थेरेपेटिक है ये, सॉरी थेरेपेटिक, यस थेरेपेटिक, ठीक है ना। थेरेपेटिक कौन सी टीचिंग इस्तेमाल की जाती है, आफ्टर द अचीवमेंट टेस्ट, आफ्टर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ईच, बिफोर द अचीवमेंट टेस्ट, बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। मतलब थेरेपी कब दी जाएगी, थेरेपी कब दी जाएगी भैया, जब डायग्नोस कर लोगे ये समस्या क्या है, है ना। यस तो समस्या के बाद मतलब आफ्टर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, ठीक है, इवेल्यूएशन नॉट एवोल्यूशन, आफ्टर डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में आप फिर उसके बाद क्या यूज करोगे, इसको थेरेपेटिक टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन उसको थेरेपेटिक टीचिंग देंगे, क्लियर। यस चलो भाई अगला क्वेश्चन। सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। बताइए बेटा कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का। एक सेकेंड सर, हाँ देखने लगा। सम ऑफ रुपीज 1600 रुपए है, 1600 रुपए में 252 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलता है और समय है 2 साल 3 महीने, तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। सीधे सिंपल, सबसे पहले देखिए टाइम को बदल लीजिए, 2 साल 3 महीने है तो टाइम को बदल लीजिए आप इसमें किसमें, ईयर में, ठीक ना। तो 2 साल 3 महीने, 3 महीने मतलब 3/12, तो 2 + 1/4 मतलब 9/4 ईयर, क्लियर है ना। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, क्लियर है। yes. तो आपको रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 ओके अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, क्लियर है। yes. तो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 252 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 100, प्रिंसिपल है कितना 1600 और टाइम कितने अपने पास आ चुका है अभी अपने पास 2 + 1/4 यानी 9/4, क्लियर है। ओके तो सॉल्व करिए तो इसका आंसर आ जाएगा 7% पर एनम। यस सर। ओके आंसर इज 7% पर एनम, क्लियर सर। इसका भी पीडीएफ भेज देना। एग्जैक्टली भेज दो बेटा। यस सर। चलिए व्हील क्रॉसेस, व्हील क्रॉसेस 1230 राउंड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर 4 हेक्टोमीटर एंड 60 मीटर ओके इट्स पैरीमीटर इज। तो भैया सबसे पहले आपको जो है 2πr जो है 2πr मल्टीप्लाइड बाई n करके ओके 2πr मल्टीप्लाइड बाई n मतलब कि n कितने हैं 1230, तो 1230 गुणे 2πr इक्वल्स टू आएगा जितना डिस्टेंस दिया 2 किलोमीटर मतलब कितना हो जाएगा 2 × 1000, हेक्टो में होता है 100 और 60 मीटर मतलब 2460 मीटर, क्लियर है। yes, तो 1230 राउंड लगाए हैं और 2460 मीटर ट्रेवल कर लिया है, क्लियर है। यस सर। तो पेरीमीटर कितना बनेगी, एक चक्कर इसका 2 मीटर का होगा क्योंकि जस्ट डबल तो ट्रेवल कर रहा है, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ तो इसकी पेरीमीटर बनेगी 2 मीटर, क्लियर डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी डायग्नोस्ड विद डायग्नोस्टिक टेस्ट ओके इसमें से मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्या डायग्नोस किया जा सकता है।
ओके, निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को। इसमें से क्या निकाला जा सकता है? लैक ऑफ मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, है ना भैया? भैया बिल्कुल नहीं है, मैथमेटिकल की कोई बात नहीं होती डायग्नोस्टिक में। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, बिल्कुल बकवास। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट इज फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल गलत। एरियाज ऑफ डिफिकल्टी फॉर स्टूडेंट इन सर्टेन टाइप ऑफ एरर मेड बाई देम, बिल्कुल सही। कि बच्चा जो है पर्टिकुलर जो एक उसमें वो होता है, उसमें क्या ये प्रॉब्लम फील करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई स्टूडेंट इन योर क्लास फेल्स इन मैथमेटिक्स मैनी टाइम्स, देन स्टूडेंट इज वीक इन विच ऑफ द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट विल यू डू टू नो दिस? वर्बल वर्क, डायग्नोस्टिक वर्क, रिमेडियल वर्क एंड रिटन वर्क। अगर कोई बच्चा जो है वो आपकी क्लास में कई बार मैथ्स में फेल हो रहा है, ओके, मैनी टाइम्स, देन स्टूडेंट इज वीक इन विच फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट विल यू डू टू नो दिस? अगर एक बच्चा कई बार रेमेडियल वर्क, डायग्नोस्टिक वर्क, वर्बल वर्क, रिटन वर्क, उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे? भाई रेमेडियल जो होता है वो सुधार के लिए किया जाता है, तो पहले उसकी जांच करोगे ना? रेमेडी क्लास होती है नहीं, वो बेसिकली, रेमेडियल वर्क बाद में होगा, डायग्नोस तो नहीं डायग्नोस करेंगे। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सही आंसर है, आंसर है डायग्नोस्टिक वर्क। करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट लोगे या डायग्नोस्टिक वर्क करोगे? ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री, देन बोथ ऑफ द एंगल हैविंग द वैल्यू। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो सबसे पहली बात दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो इन दोनों का सम 90 तो है, मगर इनके बीच का एंगल का जो है सम जो है 20 नहीं है, डिफरेंस 20 नहीं है। इनका भी डिफरेंस 20 नहीं है, ओके। इनका डिफरेंस 20 और सम 90 भी है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा? 33 एंड 55, सॉरी 35 एंड 55। ठीक है, इज इट यस क्लियर? सर। चलिए नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट क्वाड ऑफ सर्किल, बेहद बकवास क्वेश्चन, डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 121 द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 25, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी नंबर को 121, अगर किसी नंबर 121 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो है रिमाइंडर कितना देता है? 25 देता है। देखो, इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 121, तो अगर आप किसी नंबर को 121 से डिवाइड करते हो, मान लो वो नंबर एक्स है, अगर आप उसको 121 से डिवाइड करते हो तो वो कोशियंट क्यू देगा और रिमाइंडर कितना देगा? 25। बोलो क्लियर है? सो एक्स को क्या लिखोगे बेटा? आप एक्स को लिखोगे 121 क्यू प्लस 25। क्लियर? यस सर। ओके, क्या आप इसको 11 गुणे 11 क्यू नहीं लिख सकते हो, और 25 को आप क्या 11 गुणे 2 प्लस 3 नहीं लिख सकते हो क्या? लिख लिख सकते हैं। अब आपने क्या कर रहे हो? कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर अगर उस नंबर को 11 से डिवाइड कर दिया जाए। अगर इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड कर दोगे तो 11 से ये वाला 11 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये 11 यस 11 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ। यस मगर ये 3 कैंसिल नहीं होगा, मतलब 3/11 बचेगा। समथिंग प्लस 3/11 मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 3। क्लियर हुआ? 3, आंसर 3। तो आंसर इक्वल्स टू 3, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 3 बनेगा। यहाँ पे जबरदस्ती 1 3 दे दिया, आंसर इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट चेंज, इसको तो सर चेंज चेंज 10 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है, देखो 5/18 मीटर पर सेकेंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5, समझ में 18/5, तो 5 2 10 और 18 2 36, तो आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? घटिया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। द रन्स मेड बाय द प्लेयर्स इन क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज, फाइंड द मीन एंड मॉड ऑफ दीज रन्स। तो आपको मीन निकालना है, प्लस करके मीन निकाल लेंगे। एग्जैक्टली, और मॉड जो बार बार रिपीट होता वो होता है एग्जैक्टली। तो मॉड यहाँ पे देखिए हाईएस्टली रिपीटिंग डेटा कौन सा है? यहाँ पे देखिए 53 एक बार रिपीट हो रहा, 53 दूसरी बार, 53 तीसरी बार, तो मतलब आंसर में 53 आएगा। और मीन निकालने के लिए आपको सबका सम करके सबको डिवाइड करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करके डिवाइड कर दो जितने नंबर है। ठीक है, चलिए। 5 डेसी ग्राम्स, 5 डेसी ग्राम है आपके पास में, एक मिनट बेटा। चलिए 5 डेसी ग्राम, 7 डेसी ग्राम, 5 ग्राम एंड 13 सेंटीग्राम जो है उनको कन्वर्ट कर रहे हो मिलीमीटर में, नहीं है बेटा ये मिलीमीटर मिलीग्राम में होगा, ओके।
मिली यस मिलीग्राम में होगा, मतलब डेसी को जब मिली में ले जाते हो बेटा तो वो कितने छोड़ता है, ओके, सौ ग्रेड 3 की है क्या पीपीटी? क्या? हाँ ग्रेड 3 की है पूरी पीपीटी है। ये कहाँ मतलब पुराने पेपर्स हैं क्या? हाँ ये पुराने पेपर्स हाँ हैं, यस ठीक है ना। तो 7 देसी ग्राम, 5 ग्राम एंड 13 सेंटीग्राम को जो है कन्वर्ट करना है आपको किसमें, मिलीमीटर में। तो देखिए मिलीमीटर मतलब जो होता है वो होता है कौन सा पार्ट, 1000 पार्ट। डेसी होता है 10, तो मतलब 7 डेसी ग्राम में कितने होंगे, 100, मतलब 1 डेसी ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 100। बेटा ग्राम कर लो सबसे पहले, तो ये ग्राम है, ओके क्लियर हुआ। तो 7 डेसीग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे बेटा, 700 में 700 मिलीग्राम हो जाएंगे ना। और ओके 5 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, 5000 मिलीग्राम हो जाएंगे। और सेंटी में होते हैं 10, सेंटी में क्या होते हैं 10, क्योंकि सेंटी होता है। याद करने की अभी हमने पढ़े नहीं है, ये ग्राम, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम। देखो देखो देखो, ये जैसे आप यहाँ पे है, इधर पे बैठा है ग्राम, बोलो क्लियर है, यहाँ पे आपके पास बैठा हुआ है ग्राम। अगर आप नीचे आ रहे हो तो ग्राम के नीचे डेसी, बोलो यस और नो। डेसी का मतलब फैक्टर 1/10, ठीक ना। डेसी के नीचे होता है सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 1/100। फिर इसके नीचे होता है मिली, मिली का मतलब होता है कितना, 1/1000। क्लियर हुआ, ओके। अब ग्राम के ऊपर यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आता है हेक्टो, आता है हेक्टो, हेक्टो मतलब 10 ग्राम, क्लियर है। फिर इसके बाद आता है कितना, एक मिनट यार, 100 को क्या बोलेंगे शायद, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सो 100 ही का तो नहीं हेक्टो बोलते, 100 को बोलते हैं, 10 को कुछ और बोलते हैं, डे क्या बोलते कैसे? मे बी डे का बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर आता है किलो, समझ में आया ना, इसके ऊपर किलो आता है, मतलब किलो का फैक्टर होता है 1000, क्लियर है। तो अपने पास जो है ग्राम हो गया, तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो 1000 हो जाएगा। फिर 10 सेंटी, सेंटी देखो सेंटी से मिली में जाने के लिए कितना, मिली मतलब 1/10 होता है ना, तो सेंटी तो ज्यादा ही हुआ, मतलब 13 सेंटी में कितने मिलीग्राम हुए, 130 मिलीग्राम हुए, हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे कितना हुआ, 130, तो ऐड कर दो, 5500 700 और 5700 और कितना हो जाएगा अपने पास, 130, क्लियर है ना। तो 5000 यहाँ पे 700 और कितना हो गया, 130। एक मिनट, यहाँ 3 सेंटीग्राम होना था तब आंसर मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 3 सेंटीग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30, तो 5730, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है आप जो इस तरीके से ये कर सकते हैं, क्लियर। चलिए ठीक है, अब मेरी क्लास 10 है, क्लास 10 की मेरे को क्लास लेनी, तो क्लास यहीं पर आपकी ओवर करते हैं, है ना। और इस शीट को मैं और ज्यादा भी लगवा दूंगा आपको, जिससे कि एक अच्छा सा आपका रिवीजन हो जाएगा, इसमें काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। ये सर जितने सर आपके पास पुराने पेपर हो वो भेज देना। बिल्कुल भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है चलिए सर, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू सर। यू बेटा। क्या कर रहे हो गया, तो तुम भागने के जुगाड़ में तो बिल्कुल मत रहो, हम तुम्हें भागने तो देंगे नहीं, ठीक है ना, हम बिल्कुल भागने नहीं देंगे तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ एक हो गया है, अब दूसरे में लिखो, दूसरा पेपर निकालो, दूसरे में लिखो, हम चेक कर लेते हैं। चलो इसको,